नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से मची भयंकर तबाही, 15 श्रद्धालुओं की गई जान, 60 लापता, 15,000 को बचाया। अमरनाथ यात्रा के दौरान मची तबाही के बाद सेना ने संभाला मोर्चा, लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन। अमरनाथ घटना के बाद कश्मीर में डॉक्टरों की छुट्टियों पर लगी रोक, राहत और बचाव कार्य में लगाए गए 5,000 सुरक्षाकर्मी। साल भर में 13,000 करोड़ के हथियार बेचकर भारत ने बनाया रिकॉर्ड, रक्षा निर्यात क्षेत्र में सरकारी से आगे रही निजी कंपनियां। 75 नवविकसित AI सक्षम रक्षा उत्पादों की होगी लॉन्चिंग, कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने भाजपा के नए राज्यसभा सांसदों को दी नसीहत, बोले सदन में नियमित पहुंचे, सावधानी से शब्दों का करें चयन। महाराष्ट्र सीएम शिंदे और फडणवीस आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, भाजपा अध्यक्ष नड्डा और राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट का कार्यक्रम। राष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA नेताओं की दिल्ली में होगी बैठक, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद, रात्रि भोजन का भी होगा आयोजन। लोकसभा चुनाव में भाजपा का 50% से अधिक वोट का लक्ष्य, सीएम योगी और स्वतंत्र देव की अध्यक्षता में पहला रोडमैप तैयार। जाति तोड़ो अभियान को अब नए सिरे से मजबूती देगा संघ, प्रांत प्रचारकों की बैठक में घर घर संपर्क पर जोर। 10 जुलाई को राजस्थान के जयपुर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, 8 राज्यों के CM के साथ आंतरिक सुरक्षा पर होगी चर्चा। एलन मस्क ने $44 बिलियन की डील खत्म करने का किया ऐलान, ट्विटर को पत्र लिख बताया कारण, अब केस दर्ज करेगी कंपनी। रूस यूक्रेन युद्ध पर एकमत नहीं हो पाए, G20 देशों के विदेश मंत्री, इंडोनेशिया ने युद्ध खत्म करने की अपील के साथ जारी किया बयान। राष्ट्रपति पुतिन बोले यूक्रेन के सहयोगी पश्चिमी देश करें सीधी जंग, दखल बढ़ाने के साथ शांति वार्ता की राह हो जाएगी कठिन। यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों के बाद भी रूस से क्रूड खरीदा भारत, जरूरतों को दी तरजीह, पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहता देश। इंटरपोल से डाटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना भारत, बाल यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने में मिलेगी मदद। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कई इलाकों में कर्फ्यू, आज होने वाले विरोध प्रदर्शन के चलते लिया गया फैसला। LAC पर भारत और चीन के बीच 3 साल से गतिरोध कायम, सैन्य वार्ता 4 महीने से ठप, बिना बातचीत के गुजरा सबसे लंबा दौर। दिल्ली में आज VIP की संविधान संकल्प यात्रा का आयोजन, 50,000 से ज्यादा लोगों ने शामिल होने का किया दावा। केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की टिप्पणी का सहमति से संबंध के बाद शादी से इनकार पर नहीं बनता दुष्कर्म का केस। देश में इस साल कम बारिश से धान का उत्पादन घटने की आशंका, बढ़ेंगी चावल की कीमतें, कंपनियां घटाएंगी तेल के दाम। प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर बनेगी अनूठी रिवर आर्ट गैलरी, गंगा किनारे कुंभ की संस्कृति के होंगे दर्शन, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। UP के दादरी में हिस्ट्री सीटर ने मस्जिद में नमाज के बाद बांटे नोट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शांति भंग में किया गिरफ्तार। गोना में जमीन विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, लाठी डंडा और ईंट पत्थर से किया घायल, 7 गिरफ्तार। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम को मिली जान से मारने की धमकी, लाहौरी गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जाँच। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 18,840 नए मरीज, इस दौरान 43 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। NCR से बाहर होंगे हरियाणा के 5 जिले और 3 तहसीलें, 10 साल पुराने डीजल और पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने की मिलेगी छूट। NCR नियोजन बोर्ड ने आम लोगों के लिए खोला अपना भू पोर्टल, परिवहन और उद्योग से जुड़ी योजनाओं का आम लोग देख सकेंगे ब्यौरा। सीएम योगी के रात्रि भोज कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल और OP राजभर, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जनप्रतिनिधियों से मांगा समर्थन। असम में 190 हुई बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या, बाढ़ की चपेट में आ चुके 14 जिलों के 28 राजस्व मंडल और 620 गांव। नूपुर की जीप काटने पर 2 करोड़ देने की घोषणा करने वाला गिरफ्तार, आरोपी इरशाद प्रधान से पूछताछ कर रही हरियाणा की नूह पुलिस। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराएगी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जगन्नाथ रथ यात्रा की संध्या दर्शन को गुनीचा मंदिर पहुंचे हजारों लोग, इस बार 7 बजे के बजाय सिर्फ 4 बजे तक ही होंगे दर्शन। पहलवान संग्राम सिंह के साथ आज 7 फेरे लेंगी अभिनेत्री पायल रोहतगी, शादी से पहले आगरा के राजेश्वर महामंदिर में की पूजा अर्चना। अब 12 जुलाई के स्थान पर 13 जुलाई को जयपुर जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, सभी विधायकों और सांसदों से जयपुर होटल में करेंगी मुलाकात। बजरंग दल ने हिंदुओं की मदद के लिए शुरू किया हेल्पलाइन नंबर, सोशल मीडिया पर जिहादियों से धमकी मिलने पर युवा शाखा करेगी मदद। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, हैदराबाद के रहने वाले शेख नाजिर के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई, विरोधी पक्ष ने धाराएं बढ़ाने पर जमानत का किया विरोध। गाजियाबाद के 4 अस्पतालों पर 63 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को नष्ट करने का लगा है आरोप।
कठुआ में 22 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फिर से खेती शुरू। सीमा सुरक्षा बल और प्रशासन की मदद मिलने पर किसानों ने की पहल। धन शोधन मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन की पत्नी को किया तलब। डिजिटल उपकरणों से जानकारी निकालने के दौरान पूनम से होगी पूछताछ। फडणवीस ने मुंबई समेत सभी शहरों में ई बसों के संचालन पर दिया जोर। बोले, महाराष्ट्र में परिवहन प्रणाली को पूरी तरह स्वच्छ बनाना हमारा लक्ष्य। अग्निवीरों को 6 माह के अंदर नौकरी देगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, युवाओं को गुमराह करने में जुटा विपक्ष। बकरीद के दिन 3 घंटे के लिए ताजमहल परिसर में निःशुल्क होगा प्रवेश। नमाजियों और गैर नमाजियों को सुबह 7 से 10 बजे तक मिलेगी सुविधा। दिल्ली के होलंबी कला में बनेगा देश का पहला ई कचरा इको पार्क। गोपाल राय बोले, 12 एकड़ भूमि में 23 महीने में बनकर हो जाएगा तैयार। अंधाधुंध शिकार से संकट में आई 1300 जंगली स्तनधारी प्रजातियां। रिपोर्ट में वृक्षों की कटाई से दुनिया में जैव विविधता पैदा होने का खतरा। मणिपुर बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। एल राहुल ने 586 अंकों के साथ प्राप्त किया पहला स्थान। हरियाणा में 4 विधायकों को गैंगस्टरों ने दी जान से मारने की धमकी। सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। कुमारी शैलजा ने राज्यपाल से की शिकायत। इंग्लैंड में लगातार 4थी T20 सीरीज जीतने उतरेगा भारत। युवाओं के अच्छे प्रदर्शन के चलते कोहली पर बड़ा दबाव। 8वीं बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। ब्रिटेन के कैमरून नोरी को हराकर रोजर फेडरर का तोड़ा रिकॉर्ड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।